2019 में बीजेपी जेजेपी की सरकार बनाने में जींद और कैथल जिलों की अहम भूमिका रही थी। इन दो जिलों के अंदर जहां जेजेपी के पास 4 विधायक थे, वहीं बीजेपी के पास भी 3 विधायक थे। एक सीट के ऊपर कांग्रेस के विधायक थे और पुंडरी में निर्दलीय विधायक थे। अब सवाल ये उठता है कि 2024 के चुनाव में ये दोनों जिले कहां पर जाएंगे। इन दोनों जिलों की पॉलिटिक्स, इन दोनों जिलों के 9 सीटों के चुनाव परिणाम अगली सरकार बनाने में बेहद खास भूमिका निभाने का काम करेंगे। जब हमने दोनों जिलों की सियासत को खंगालने का काम किया, जब हमने सभी 9 के 9 MLA के अंजाम को, उनके प्रभुत्व को, उनके जनता के अंदर रसूख को और उनकी लोकप्रियता को करीब से समझने का प्रयास किया, लोगों से फीडबैक लेने का काम किया, मीडिया के साथियों से उनके बारे में विचार विमर्श किया, तो एक चुकाने वाली रिपोर्ट सामने आई और वो रिपोर्ट आज खरी खरी आपके साथ में साझा कर रही है। 2024 के चुनाव को लेकर जींद और कैथल जिले के सभी 9 विधायकों के ऊपर सफाई की तलवार लटक रही है। जी हाँ, ये चौंकाने वाली खबर है कि 2024 के चुनाव में जींद और कैथल जिलों के सभी 9 के 9 विधायक चुनाव हार सकते हैं। उनके खिलाफ जनता में नाराजगी है, उनके खिलाफ जनता में आक्रोश है। इन दोनों ही जिलों में सबसे बड़ा कद है डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का। दुष्यंत चौटाला उचाणा से विधायक हैं, लेकिन 4 साल में डिप्टी सीएम रहते हुए वो उचाणा के लोगों का दिल जीतने में नाकाम रहे हैं। यही वजह है कि दुष्यंत चौटाला के खिलाफ आज उन्हीं के हलके में बड़ी नाराजगी देखने को मिल रही है। जिन दुष्यंत चौटाला को 2019 में 92,000 वोट मिले थे, वही दुष्यंत चौटाला 2024 के चुनाव में हार के शिकार भी हो सकते हैं। वो हार की कगार पर खड़े हुए हैं। जहां तक जींद के विधायक कृष्ण मिड्ढा की बात है, वो भी शहर की जनता की बड़ी नाराजगी का सामना कर रहे हैं। वो लगातार 2 बार विधायक बन चुके हैं। पहले उन्होंने उपचुनाव जीता और 2019 में वो विधायक बने। उनके पिता भी यहाँ से 2 बार विधायक रहे, लेकिन 2024 के चुनाव को लेकर कृष्ण मिड्ढा की सियासत खतरे में नजर आ रही है, क्योंकि शहर में उनके खिलाफ जनता में बड़ी नाराजगी है और लोग उनके कामकाज को लेकर खुश नहीं है। यही कारण है कि कृष्ण मिड्ढा भी हार के शिकार हो सकते हैं। जुलाना में 2019 में जेजेपी के अमरजीत ढंडा विधायक बने थे, उन्हें भरपूर जन समर्थन मिला था और उन्होंने बड़ी जीत भी दर्ज की थी। लेकिन 2024 के चुनाव में अमरजीत ढांडा के जमानत जब्त होने के आसार नजर आ रहे हैं। जींद जिले में अगर किसी विधायक के खिलाफ सबसे ज्यादा नाराजगी है तो वो अमरजीत ढांडा है। अगर बीजेपी के साथ जेजेपी का गठबंधन नहीं हुआ तो अमरजीत ढांडा करारी शिकस्त के शिकार होंगे। अमरजीत ढांडा के खिलाफ कांग्रेस के टिकट के दावेदार परमिंदर सिंह धूल का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। 2019 के चुनाव में परमिंदर धूल जितने वोटों से चुनाव हारे थे, 2024 में उससे भी बड़ी जीत दर्ज कर सकते हैं, क्योंकि जुलाना हलके की सियासत में बड़ा बदलाव आ गया है। जो लोकप्रियता 2019 के चुनाव में दुष्यंत चौटाला की जुलाना हलके में थी, वही लोकप्रियता यहाँ पर भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की हो चुकी है। यही वजह है कि जुलाना में बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा। जहां तक सफेदों की बात है, सफेदों में 2019 में कांग्रेस के विधायक सुभाष गोंगोली चुनाव जीते थे, लेकिन 2024 को लेकर कांग्रेस के इन इकलौते विधायक के ऊपर भी खतरे की तलवार लटक गई है, क्योंकि जसबीर देसवाल के चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद सुभाष गोंगोली के खिलाफ चुनाव हारने की चर्चा जोर पकड़ गई है। ये सच्चाई भी है कि पूर्व विधायक जसबीर देसवाल ने जब से अपने इलाके में यात्रा निकाली है और चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, तब से सुभाष गोंगोली की हार के ज्यादा चर्चे हो गए हैं। और ये कहा जा रहा है कि जसबीर देसवाल के चुनाव लड़ने के कारण सुभाष गोंगोली किसी भी सूरत में चुनाव नहीं जीत पाएंगे। उचाणा हलके के बाद लगातार जेजेपी काम करती रही है, सबसे ज्यादा नरवाना हलके में। नरवाना हलका चौटाला परिवार के बाद दुष्यंत चौटाला को भी रास आया और उनके टिकट के ऊपर यहाँ पर रामनिवास सुरजाखेड़ा विधायक बने। रामनिवास सुरजाखेड़ा दुष्यंत चौटाला को छोड़ चुके हैं और वो 2024 के चुनाव में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं, यानी उनके लिए भी पार्टी बदल गई है, वो जेजेपी के टिकट पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। इससे खास बात यह भी है कि रामनिवास सुरजाखेड़ा का जेजेपी के छोड़ने के बाद बीजेपी के टिकट पर भी चुनाव लड़ने पर जीत पक्की नहीं है, क्योंकि हालात नरवाना के पूरी तरह से पलटे हैं। वहाँ कहीं ना कहीं तिकोने मुकाबले में कांग्रेस, बीजेपी और इनेलो रहेंगे, वहाँ जेजेपी इस बार मुकाबले से बाहर रहेगी। कैथल जिले की पॉलिटिक्स में भी बड़ा बदलाव है। कलायत सीट पर 2019 के चुनाव में कमलेश ढांडा ने सरप्राइजिंग जीत दर्ज की थी और महिला कोटे से वो पहली बार विधायक बनने के बावजूद मंत्री भी बन गई थी, लेकिन 4.5 साल के दौरान कमलेश ढांडा
जनता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी है। उनके खिलाफ जनता में बड़ी नाराजगी है, जिसके चलते वो करारी शिकस्त का शिकार होती हुई अभी से नजर आ रही हैं। कैथल सीट को लेकर भी कहा जा सकता है कि लीलाराम गुर्जर के खिलाफ बड़ी नाराजगी है। अगर बीजेपी ने उनकी टिकट नहीं काटी तो लीलाराम गुर्जर चुनाव हार जाएंगे और रणदीप सुरजेवाला बड़े वोटों से चुनाव जीत जाएंगे। पुंडरी की कहानी अलबेली है। 2019 के चुनाव में भी लगातार पांचवीं बार यहाँ से निर्दलीय विधायक के तौर के रणधीर गोलन चुनाव जीते और वो इसमें सरकार के साझेदार भी हैं, वो चेयरमैन भी हैं। लेकिन 2024 की सियासत और हालात बता रहे हैं कि रणधीर गोलन भी बड़े अंत से चुनाव हारेंगे। उनकी हार की गारंटी पक्की नजर आ रही है। नौवें हल्के के तौर पर कह सकते हैं कि गुलाचिका भी इस परिवर्तन की बयार से नहीं बचेगा। वहां पर जेजेपी के विधायक ईश्वर सिंह चुनाव हार सकते हैं। उनके खिलाफ भी जनता में बड़ी नाराजगी है और इसके चलते उनके जीत के कोई आसार नहीं है। इन 9 सीटों का हिसाब किताब बता रहा है कि जहां जेजेपी के पास में 4 सीटें थी, 4 सीटों में से एक भी सीट के ऊपर जेजेपी के दोबारा चुनाव जीतने के आसार नहीं है। कहानी इतनी खतरनाक हो चुकी है कि दुष्यंत चौटाला ही मुकाबले में रहेंगे। जेजेपी के बाकी 3 विधायक तो मुकाबले से बाहर रहेंगे। 4 में से एक विधायक रामनिवास रुजाखेड़ा जेजेपी छोड़ चुके हैं। ऐसे में जेजेपी के लिए इस सबसे मजबूत गढ़ में वापसी करना बेहद मुश्किल नजर आ रहा है। बीजेपी के पास भी इस 2 जिलों की पट्टी के अंदर बंगर की इस धरती के ऊपर 3 विधायक थे। तीनों विधायक ही डेंजर जोन में नजर आ रहे हैं। जहां कमलेश ढांडा की हार बिल्कुल पक्की हो चुकी है, वहीं पर कृष्ण मिड्डा भी जनता की नाराजगी के शिकार चल रहे हैं। इसी के चलते बीजेपी के लिए कैथल की सीट भी जीतना मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि लीलाराम गुर्जर के खिलाफ जिस तरह जनता में नाराजगी है, जिस तरह से उनके खिलाफ माहौल बना है, उसके चलते वो चुनाव जीतने के बजाय हारते हुए ज्यादा नजर आ रहे हैं। 2024 की सियासत बता रही है कि दोनों ही जिलों में सारे के सारे विधायक चुनाव हारेंगे और उनके खिलाफ जनता के आक्रोश को देखते हुए पूरी की पूरी बाजी पलटने के आसार हैं। अब ये देखने की बात है कि 2024 के चुनाव में इन 2 जिलों की 9 सीटों पर कौन सी पार्टी बाजी मारने का काम करेगी। 2019 के चुनाव में बीजेपी को इन दोनों जिलों में 8 विधायकों का जनसमर्थन मिला, जिसके चलते वो बहुमत हासिल कर पाई और दोनों ही पार्टियों की सरकार बनी। लेकिन 2024 के चुनाव में जेजेपी का इन दोनों ही जिलों में सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी को भी अपने 3 विधायक बदलने पड़ेंगे, टिकटें काटनी पड़ेगी, नए चेहरों को चुनाव लड़ाना पड़ेगा, तभी वो मुकाबले में आ पाएगी। नहीं तो बीजेपी भी जींद, क्लायत और कैथल की 3 सीटें हार जाएंगी। पुंडरी के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यहाँ पर लगातार इंडिपेंडेंट प्रत्याशी चुनाव जीतते आए हैं, इसलिए वहाँ पर कौन सी पार्टी की, कौन से प्रत्याशी की लॉटरी खुलेगी, ये नहीं कहा जा सकता है। कांग्रेस के लिए भी जहां एक विधायक जाता हुआ नजर आ रहा है, तो दूसरी तरफ एक विधायक आता हुआ भी नजर आ रहा है। वैसे ये बात अलग है कि इन दोनों ही जिलों में अभी तक जो तस्वीर हल्की हल्की नजर आ रही है, वो बता रही है कि इन दोनों जिलों में 2024 में कांग्रेस का पलड़ा भारी हो सकता है। कांग्रेस इन दोनों जिलों में 5 से लेकर 7 सीटें जीत सकती है। अगर कांग्रेस यहाँ पर 5 से 7 सीटें जीत जाती है, तो ऐसे में उसकी सत्ता में वापसी के बड़े आसार बन जाएंगे। लगातार 2 चुनाव हारने के बाद 2024 में कांग्रेस सत्ता में वापसी कर सकती है और उसके लिए सबसे ज़्यादा जनसमर्थन, सबसे ज़्यादा सीटें उसे कहीं ना कहीं इन 2 जिलों में मिल सकती हैं। यहाँ पर कांग्रेस 70 से 80% सीटें जीतने का काम भी कर सकती है। जींद और कैथल जिले की सियासत का अंजाम बता रहा है, यहाँ के हालात बता रहे हैं और विधायकों की परफॉर्मेंस बता रही है कि यहाँ पर पूरी तरह से उलटफेर होगा। यहाँ सारे के सारे विधायक हारते हुए नजर आएंगे और यहाँ की सियासत पूरी तरह से पलटती हुई नजर आएगी। 2024 के चुनाव में जींद और कैथल जिलों की सियासत को समझने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। 2024 में जेजेपी के 4 विधायकों के अंजाम को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। 2024 में बीजेपी के 3 विधायकों की हशर को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। 2024 में पुंडरी के अलबेले खेल के परिणाम को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। 2024 में सफेदों के इकलौते कांग्रेस विधायक के अंजाम को जानने के लिए, समझने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।